जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है नीतीश और ये आपको देखने को मिलता है Realme 9 Pro Plus 5G। Realme 9 Pro Plus 5G की जो अनबॉक्सिंग थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग Realme 9 Pro Plus 5G के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से हिडन फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, गेमिंग के अंदर कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं, कैमरा के अराउंड रिंग लाइट का इफेक्ट कैसे एनेबल करें, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वेल, जितने भी फीचर आपके साथ शेयर करूंगा सभी जो फीचर हैं रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाले फीचर हैं, तो ओवरऑल वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस टाइप की वीडियो अगर आप लोगों को फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाखर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो और साथ में वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक जो लाइक है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ही मोटिवेट करता है। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों बात की जाए सबसे पहले फीचर के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे होम स्क्रीन से। अगर आप लोग अपनी होम स्क्रीन को कस्टमाइज करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग अपनी स्क्रीन को पिंच कीजिए, आप लोग अपने वॉलपेपर, आइकन, लेआउट, ट्रांजेक्शन, इन सभी को अपनी होम स्क्रीन से ही कस्टमाइज कर सकते हो। वेल, अगर आप लोगों को वॉलपेपर चेंज करना है तो सिंपली वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कीजिए, आप लोगों को यहाँ पर स्टैटिक और जो लाइव वॉलपेपर है वो देखने को मिल जाएंगे। आइकन को कस्टमाइज करना है, आइकन के शेप्स चेंज करनी है, कोई थर्ड पार्टी आइकन को अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है तो आइकन के सेक्शन में आप लोगों को बहुत सारे आइकन के जो कस्टमाइज साइज या आर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। साथ में लेआउट अगर आप लोगों को होम स्क्रीन का चेंज करना है तो उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो, और ट्रांजेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगी। आप लोग अपनी स्क्रीन को फ्लिप करते हो, आपको कौन सा ट्रांजेक्शन चाहिए, जो आपको पसंद आए, ये सब कुछ आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाओगे। साथ में विजिट का सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा विजिट देखने को मिल जाएंगे। साथ में एंड्रॉयड 12 के जो नए लेटेस्ट विजिट्स हैं वो भी आप लोगों को इसके अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में, क्योंकि आप लोगों को Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर थोड़े बहुत जो बूटलेवेयर हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ सिस्टम की जो एप्लीकेशन है जैसे कि फाइंड सेल पे, जो कि Realme की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसको आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते लेकिन डिसेबल कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है आप लोगों को अनवांटेड जो नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड करवाती रहती है। साथ में आप लोगों का Realme का थीम स्टोर हो गया, ये भी आपको अनवांटेड नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो सिंपली आपको ऐप इन्फो में जाना है, मैनेज नोटिफिकेशन में जाइए, सिंपली नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए और आप लोगों को जो अनवांटेड नोटिफिकेशन देखने को मिलती थी वो आप देखने को नहीं मिलेंगी। अब दोस्तों बात की जाए अगले फीचर के बारे में, तो अगर आपको भी Realme 9 Pro Plus 5G में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करना है तो इसके लिए आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स के अंदर। वेल, जैसे आप लोग सेटिंग्स में जाओगे आपको जाना है पर्सनलाइजेशन के सेक्शन में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप लोगों ने इसको ऑन करना है, आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑन हो गई। अगर आप लोग इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो इसके कस्टमाइजेशन के भी काफी सारे फीचर आपको Realme ने प्रोवाइड करवाए हैं और सिस्टम प्रोवाइडेड AUD भी आपको देखने को मिल जाएगी। वेल, मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ और अगर आप लोग लॉक स्क्रीन देखें तो आप लोगों को लॉक स्क्रीन के ऊपर जो AUD है वो देखने को मिल जाएगी और काफी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। इस तरीके से आप लोग Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर AUD को एनेबल कर सकते हो और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। साथ में आप लोगों को कलर्स का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो आपके नोटिफिकेशन पैनल के टॉगल्स हैं इनके कलर्स अगर आप लोगों को चेंज करने हैं तो कलर्स के सेक्शन में जाइए, आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे और साथ में वॉलपेपर कलर पिकिंग का जो फीचर है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। फॉन्ट एंड डिस्प्ले का साइज भी आप लोग पर्सनलाइजेशन के सेक्शन से चेंज कर सकते हो, फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी आप लोग यहीं से चेंज कर सकते हो, साथ में एज लाइटिंग का सपोर्ट भी आप लोगों को Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात की जाए Realme 9 Pro Plus 5G के कैमरा फीचर्स के बारे में, क्योंकि Realme ने बैक साइड के अंदर मेंशन भी किया है कि इसके अंदर आप लोगों को OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। वेल, बात की जाए कैमरा एप्लीकेशन की तो जो इंटरफेस है, UI है, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है Realme के ओल्ड डिवाइसेस की तरह। वेल, आप लोगों को नीचे जो मोड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहले नाइट मोड,
फिर स्ट्रीट मोड जो कि रियलमी ने नया इस बार इंट्रोड्यूस किया है, फिर वीडियो मोड, फिर फोटो मोड, फिर आपको पोर्ट्रेट मोड, 50 MP एंड मोर का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड मोर के सेक्शन में कोई भी नया मोड रियलमी ने प्रोवाइड नहीं करवाया है, लेकिन आप लोगों को नया मोड देखने को मिलता है स्ट्रीट मोड, और इसके अंदर आप लोग 120x तक जो है वो पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हो। और मैंने एक पिक्चर्स क्लिक की थी, अगर आप लोग देखें, और पिक्चर्स क्वालिटी भी काफी तगड़ी आपको देखने को मिलती है, यानी कि OIS जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है, इस तरीके की पिक्चर आपको देखने को मिलती है। और वीडियो सेक्शन में आप लोग 4K तक जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, 720p, 1080p, 4K का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और फोटो सेक्शन के अंदर भी आप लोगों को काफी ज्यादा फीचर Realme ने प्रोवाइड करवाए हैं। इसके अंदर आप लोगों को वाटरमार्क का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और जो नए स्टाइल की वाटरमार्क है वो Realme ने प्रोवाइड करवाई है। वेल, ये सभी फीचर आप लोगों को Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस टाइप कैमरा के अराउंड रिंग लाइट का इफेक्ट अपने Realme 9 Pro Plus डिवाइस के अंदर चाहते हो, तो इसके लिए सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एनर्जी रिंग, जिसको मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोग इसको ओपन कीजिए, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, अपने हिसाब से आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो। जिस टाइप की नॉच आपको चाहिए वो नॉच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, एडजस्टमेंट के फीचर देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग भी इस टाइप का जो बैटरी इंडिकेटर है नॉच के साइड में वो एनेबल कर सकते हो। अब दोस्तों बात की जाए Realme 9 Pro Plus 5G के डिस्प्ले के फीचर के बारे में। वेल, इसमें आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, और साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट। लेकिन डिस्प्ले के सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डार्क मोड आपको देखने को मिल जाता है, और डार्क मोड को भी आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ में स्क्रीन कलर मोड देखने को मिल जाते हैं, विविड, नेचुरल और प्रो मोड। प्रो मोड के अंदर भी आप लोगों को सिनेमैटिक एंड ब्रिलियंट मोड जो है वो Realme ने प्रोवाइड करवाए हैं। बट मेक श्योर आप लोग नेचुरल यूज करें, नेचुरल अगर आप लोग यूज करोगे तो आपके डिवाइस में जो बैटरी ड्रेनिंग है बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विविड के ऊपर आपकी स्क्रीन जो है वो आपको ब्राइट देखने को मिलेगी। साथ में रिफ्रेश रेट को चेंज करने का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। आप लोगों को ऑटो सेलेक्ट, हाई और स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड आपको 60Hz मिलेगा, जिसमें आपकी बैटरी कम कंजप्शन होगी, और हाई के ऊपर आप लोगों को एनिमेशन जो है वो स्मूथ देखने को मिलेंगे, लेकिन बैटरी जो है वो आपको ज्यादा ड्रेनिंग देखने को मिलेगी। वेल, ये जो फीचर्स हैं आप लोगों को Realme 9 Pro Plus 5G के डिस्प्ले सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात की जाए गेमिंग फीचर्स के बारे में, तो Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर आप लोगों को MediaTek Dimensity 920 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। वेल, इसमें आप लोगों को Realme ने जो गेम स्पेस है उसको रिप्लेस कर दिया है, गेम से जो OnePlus का गेम्स आपको देखने को मिलता है वही इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। वेल, जैसे ओपन करोगे माई गेम्स एक्सप्लोर रिव्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, और ऊपर आप लोगों को माई गेम्स का जो सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। वेल, इसी के साथ अब बात की जाए इसके मेजर फीचर्स के बारे में, कि इसमें आप लोगों को गेमिंग में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर BGMI को ऑन करता हूँ, और जब तक BGMI ऑन होती है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब दोस्तों गेम यहां पर ऑन हो चुकी है, जैसे आप लोग लेफ्ट से स्वाइप करोगे आप लोगों को जो गेम असिस्टेंट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को परफॉर्मेंस मोड, गेम फोकस मोड और साथ में कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, टच ऑप्टिमाइजेशन का फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा, सिस्टम स्टेटस, आप लोग FPS, GPU, CPU को लाइव चेकआउट कर सकते हो। अब मेन बात आती है वॉइस चेंजर की। फाइनली Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर आप लोगों को वॉइस चेंजर जो है वो वर्किंग देखने को मिलता है। अगर आप लोग भी इसको यूज करना चाहते हो तो इस गेम्स एप्लीकेशन जो है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर वॉइस चेंजर जो है वो आपको वर्किंग देखने को मिलता है, और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी वॉइस को भी चेंज कर सकते हो।
अब दोस्तों बात की जाए अगले फीचर के बारे में, तो Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर आप लोगों को साउंड एंड वाइब्रेशन के सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं। वेल, आप लोग अपनी वाइब्रेशन इंटेंसिटी को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि रिंग के ऊपर आपको कितनी वाइब्रेशन चाहिए और नोटिफिकेशन ऊपर कैसी वाइब्रेशन चाहिए, ये सब कुछ आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। साथ में आप लोगों को डॉल्बी एटॉम्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और इसकी साउंड प्रोफाइल भी आप लोगों को अपडेटेड देखने को मिलती है। लेकिन जैसे आप लोग हैप्टिक एंड टोन्स के ऊपर क्लिक करोगे, आप लोगों को ओ हैप्टिक्स का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। वेल, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक वीडियो प्ले होगी और उसमें आपकी वाइब्रेशन मोटर की जो फीडबैक है वो आपको देखने को मिलेगा। वेल, Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर आप लोगों को जो वाइब्रेशन मोटर देखने को मिलते हैं काफी तगड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को वाइब्रेशन के भी काफी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं। आप लोग अपनी वाइब्रेशन की जो साउंड है उसको भी चेंज कर पाओगे। वेल, ये फीचर सिर्फ आप लोगों को Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर ही Realme ने प्रोवाइड करवाया है और एडवांस सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को वही ओल्ड से जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग भी Realme 9 Pro Plus 5G में अपनी बैटरी इंडिकेटर, बैटरी स्टाइल को चेंज करना चाहते हो इस तरह, तो इसके लिए आपको सिंपली अब दोस्तों अगर आप लोग भी Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर अपने बैटरी स्टाइल और बैटरी इंडिकेटर को चेंज करना चाहते हो सेम इसी तरह, तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। वेल, जैसे आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाओगे, आपको जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, उसके बाद स्टेटस बार में, और फाइनली आप लोगों को यहां पर फीचर देखने को मिल जाएगा बैटरी स्टाइल का। आप लोगों को यहां पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लूप जो बैटरी स्टाइल है वो देखने को मिल जाएंगे। मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करता हूं, आपको हॉरिजॉन्टल बैटरी स्टाइल देखने को मिलेगा, वर्टिकल देखने को मिल जाता है, और लूप जो वन प्लस का है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में नोटिफिकेशन आइकन्स आपको किस तरीके की चाहिए, आपको आइकन चाहिए, नंबर चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, डू नॉट शो के जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में ये जो ऊपर नोटिफिकेशन टॉगल्स में आप लोगों को एक एक टॉगल्स देखने को मिलता है, वाइब्रेशन का, ब्लूटूथ का, चार्जिंग के, आइकन के, इन सभी आइकन को अगर आप लोग हाइड करना चाहते हो तो ये फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी फीचर आपको हाइड करना है उन सभी को आप लोग यहां से हाइड कर सकते हो, बट आप लोग बैटरी को हाइड नहीं कर पाओगे, बाकी जितने भी फीचर्स हैं उन सबको आप लोग हाइड कर सकते हो। ये फीचर भी आप लोगों को Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर नोटिफिकेशन और स्टेटस बार के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो देखने को मिलता है। साथ में Realme ने फेस अनलॉक का सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया है। अगर आप लोग भी अपने डिवाइस के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस अनलॉक को यूज करना चाहते हो, तो सेटिंग के अंदर जाइए, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के सेक्शन में आप लोगों को लॉक स्क्रीन पासवर्ड, फेस एंड फिंगरप्रिंट तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक को यूज कर सकते हो। साथ में सिस्टम सिक्योरिटी के फीचर भी आपको देखने को मिल जाएंगे और Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर आप लोगों को स्मार्ट लॉक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वेल, मोस्टली ये जो फीचर्स है आप लोगों को पिक्सल डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर आपको ये जो फीचर्स है वो Realme ने प्रोवाइड करवा दिया है। अब दोस्तों अगर आपको भी Realme 9 Pro Plus 5G में बैटरी ड्रेनिंग का इश्यू देखने को मिलता है, तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, बैटरी के सेक्शन में आप लोगों को पावर सेविंग मोड एंड सुपर पावर सेविंग मोड जो है वो Realme ने प्रोवाइड करवाए हैं। आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इनको यूज कर सकते हो। साथ में आप लोगों को एडवांस सेटिंग देखने को मिल जाती है, इसके अंदर परफॉर्मेंस मोड, ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, ऑप्टिमाइज स्टैंडबाय, ऐप क्विक फ्रीज एंड ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस मोड को आप लोग नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर रखें, जिससे कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी। ऑप्टिमाइज स्टैंडबाय को आप लोग बैलेंस मोड के ऊपर ही रखें। मेक श्योर अगर आप लोगों ने अल्ट्रा स्टैंडिंग मोड यूज किया होगा, तो जैसे आपका फोन लॉक स्क्रीन के ऊपर जाएगा, आपकी जो कॉल मैसेज है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगी, तो आप लोग इसको बैलेंस मोड के ऊपर ही रखिए। और साथ में ऑप्टिमाइज नेट चार्जिंग को आप लोग एनेबल कर लें, इससे भी आपकी जो बैटरी की लाइफ है
वो एक्सटेंड हो जाएगी। साथ में आप लोगों को ग्राफ का जो सपोर्ट है वो भी Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर देखने को मिल जाएगा, और ग्राफ से एक बैटरी के कंजप्शन को जानना काफी आसान रहता है। वेल, ये जो फीचर्स हैं आप लोगों को Realme 9 Pro Plus 5G के बैटरी सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, और बैटरी सेक्शन को इन फीचर्स को यूज करके आप लोग बैटरी ड्रेनिंग इशू को भी रोक सकते हो। अब दोस्तों बात की जाए Realme 9 Pro Plus 5G के स्पेशल फीचर्स के बारे में, तो आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर अलग से टैब मिल जाता है स्पेशल फीचर का, जिसके अंदर आप लोगों को फ्लेक्सिबल विंडो, क्विक रिटर्न, क्विक लॉन्च, स्मार्ट साइड बार, किड स्पेस एंड सिंपल मोड जैसे जो फीचर्स हैं वो Realme ने प्रोवाइड करवाए हैं। सेम ये फीचर्स आप लोगों को Realme UI 3.0 में भी देखने को मिलते थे, लेकिन क्विक रिटर्न का जो फीचर है सिर्फ Realme की नंबर सीरीज के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, जैसे कि Realme 8 सीरीज या Realme 9 सीरीज, और किसी भी सीरीज के अंदर आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता। साथ में फ्लेक्सिबल विंडो आपको देखने को मिल जाएगी, इसको कैसे यूज करना है कस्टमाइज करने के फीचर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और बाकी जो फीचर्स हैं वो आप लोगों को Realme UI 2.0 के अंदर भी देखने को मिलते थे। अब दोस्तों बात की जाए ऐसे फीचर के बारे में जो सिर्फ आपको Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर देखने को मिलता है। आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स के अंदर Realme लैब में, आप लोगों को हार्ट रेट मेजरमेंट का फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग अपने थंब के ऊपर रखोगे आप लोगों को वेट करना है 15 सेकंड, और आपके कितना हार्ट रेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वेल, आप लोग देखिए 7 सेकंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और आप लोग चेकआउट कर सकते हो कितना हार्ट रेट आपको देखने को मिलता है। मेरा हार्ट रेट आपको 101 BPM देखने को मिलता है। इन सबको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर टैप करें तो इसके बारे में पूरी इंट्रोडक्शन यहाँ पर Realme ने प्रोवाइड करवा दी है, जिसको पढ़ करके आप लोग IIT क्रैक कर सकते हो। लेकिन ये बोल रहा है कि आप लोग जो है ये आपको रियल जो BPM है या रियल जो रेट है वो प्रोवाइड नहीं करवाता हार्ट रेट। ये अभी फीचर जो है टेस्टिंग पर्पज के लिए Realme यूज कर रहा है, शायद फ्यूचर में इसमें आपको थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाए, लेकिन ये फीचर जो है सिर्फ हार्ट रेट का आपको Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर ही देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर आप लोग भी अपने Realme 9 Pro Plus की जो RAM है उसको इंक्रीज करना चाहते हो तो ये फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, अबाउट फोन को ओपन कीजिए। जैसे आप लोग अबाउट फोन को ओपन करोगे RAM के आगे आपको क्लिक करना है, आपको RAM एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा, इसको एनेबल कीजिए। आप लोग अपनी RAM को 2GB, 3GB और 5GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। वेल, एक्सपेंड करने के बाद आपने एक बार अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग अगर अपना रिसेंट का सेक्शन देखें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी प्लस, यानी कि 6 प्लस 2GB, 8GB रैम जो है वो आप लोगों को Realme 9 Pro Plus 5G की देखने को मिल जाएगी। फाइनली दोस्तों इतना ही। अब दोस्तों ये तो बात हो गई Realme 9 Pro Plus 5G के फीचर्स के बारे में, हिडन फीचर्स के बारे में, कैमरा फीचर्स एंड गेमिंग फीचर्स सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, किस तरीके से आप लोग कैमरा के राउंड इस रिंग लाइट को इनेबल कर सकते हो। फाइन दोस्तों इतना इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।